एलएचबी की तरह वंदे भारत में भी डिस्क ब्रेक का सिस्टम दिया गया है, लेकिन दोनों में फर्क है। एलएचबी का जो डिस्क होता है वो अंदर की तरफ एक्सल में होता है, जबकि वंदे भारत का जो डिस्क है वो आप देख सकते हैं बाहर यहाँ व्हील के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ब्रेक सिलेंडर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि जो अगर आप एलएचबी में देखेंगे तो उसका ब्रेक सिलेंडर अंदर की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्क है, ब्रेक डिस्क है, वो एक्सल के ऊपर लगा होता है, लेकिन वंदे भारत में डिस्क जो है यहाँ बाहर व्हील के ऊपर लगा रहता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ बाहर व्हील पे डिस्क लगा हुआ है, वहाँ पे वो ब्रेक पैड है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये ब्रेक सिलेंडर है। तो इस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे भी दो डिस्क लगे होते हैं, एक व्हील पे एक डिस्क आपको इधर दिखेगा और दूसरा डिस्क आपको उधर दिखेगा। ब्रेक डिस्क जो है दो लगे होते हैं, एक एक्सल पे दो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, लेकिन ये अंदर साइड ना लग के ये यहाँ पे व्हील डिस्क के साथ लगे रहते हैं, नट बोल्ट के साथ यहाँ पे ये टाइट है। इस तरह से यहाँ पे वंदे भारत का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान है, एलएचबी के मुकाबले काफ़ी आसान इसका मेंटेनेंस है। ब्रेक पैड वगैरह बदलना, चेंज करना वो ज़्यादा इजी है। तो ये कुल मिला के एलएचबी के जैसा ही आप ट्रॉली देखेंगे, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ट्रॉली है, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है।